subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मोबाइल टावर का इंसानी बस्ती में नफ्स करना इंसानी जानों के लिए ख़तरे का बायस है, लेकिन इसके बावजूद गुंजान आबादी वाले इलाक़ों बिलखसूस घरों के अंदर इसे नफ्स करके इंसानी जानों को ख़तरे में डालने का खेल नांदेड़ ज़िले से मुत्तसल अर्दापुर शहर में एयरटेल मोबाइल कंपनी की जानिब से खेला जा रहा है। अर्दापुर के जिस बस्ती में ये टावर नस्ब किया जा रहा है वहाँ के साकिनान ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। समाजी कारकुन जफर खान प्यारे खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि इस टावर की तामीर को रोकने के लिए ज़िला इंतजामिया ने उनका कोई ताउन नहीं किया, जिसकी वजह से आज ये टावर मुकम्मल तामीर हो चुका है, जिससे इंसानी जानों को ख़तरा लाहक है। इस टावर से निकलने वाली ख़तरनाक शुआएँ इंसानी जानों के लिए काफ़ी ख़तरनाक होती है, बिलखसूस बच्चों पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद ज़िला इंतज़ामिया और मुकामी इंतज़ामिया ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी है। भाई मेरा नाम जफर खान है, मैं अर्धापुर का रहवासी हूँ, आकापुरे का रहने वाला हूँ। मेरे घर के बीचों बीच बाग बस्ती में टावर आ रहा, ये टावर को पूरे हमारे मोहल्ले वाले आजू बाजू वाले रोकना चाहते, मगर ये टावर रुक रहा नहीं। फिर भी मैंने उसको बहुत सारे कोशिशें करा, नगर पंचायत को 2-3 कंप्लेना करा, तहसीलदार साहब को 2-3 कंप्लेना करा, कलेक्टर साहब को 2-3 कंप्लेना करा, पुलिस स्टेशन में 1 कंप्लेन करा, इसके बावजूद भी कोई टावर रुका नहीं। ये टावर रुका नहीं, रुकने के बाद फिर उसके बाद मैंने और निर्णय लिया कि मैं आत्मदान करूंगा 20 दिन के अंदर बाहर का। फिर भी ये टावर को प्रशासन को कोई धम नहीं आया और प्रशासन इसके ऊपर मैं रुका फिर भी, और मैं इसके बाद और कोशिश करा वकील के तालुक से, वकील के इससे, फिर भी इसका कोई मेरे को परिणाम नहीं मिला। टावर अपना अंजाम लिया और अपने अंजाम को पहुंचना चालू है। हाँ, मैंने कानूनी कार्रवाई भी करा और पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी करा। ये लोग मेरे संग थोड़ी देर को झगड़ा पंचायत, थोड़ी थोड़ी देर को झगड़े करके अपने पुलिस स्टेशन में चल जाते और झगड़े पंचायत करके मेरे को पुलिस वालों से डांट चिल्लाते, मेरे पास पुलिस वाले डांट देते मेरे को और वहां से हकाल देते। जब मैं जाता हूँ वहां पे तो पुलिस वाले मेरी कोई कंप्लेन नहीं लेते, मेरा कोई सुनता नहीं, मेरे को हकाल दिया जाता वहां से, पुलिस प्रशासन से भी मेरे को हकाल दिया जाता, दो बार। इसके बावजूद भी तो लोगों को रोकने की कोशिश करा, नहीं रुके लोग, पूरे मेरे पेपरा है, पूरे पेपरों के संगत मैंने पूरा ये करा, सबको मैंने पेपरा दे देते, सबको ये करा, मैंने उन्हें जाहिर पर करना दिए थे, जाहिर प्रकटना में भी मैंने उनको जवाब 7 दिन के अंदर अंदर ही दिया, उसका भी मेरे को परिणाम नहीं मिला, उसका भी मेरे को कोई जवाब नहीं मिला। अब मैं इसके आगे क्या करूं, कैसा करूं, प्रशासन मेरा साथ नहीं दे रही, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, ये लोग जबरदस्ती कंपनी वाले जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करके अपना टावर तैयार करने की कोशिश में है। मेरे छोटे छोटे बच्चे रहने वाले, मेरे कच्चे घर झोपड़े है, उसमें मेरे बच्चों को धोखा है, और मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा रोकने की कोशिश करे ना, कुछ नहीं बिठाना, ये टावर नहीं रहना, हमारे नुकसान है, हमारे बच्चे छोटे, हमारा घर टूटा मुटा है, जो वो गिर गया तो हमारे बच्चे मर जाएंगे। हमने जो बोले थे हमको धमकियां दी उन्होंने, हमको डराए धमकाए, हम नहीं डरे उनसे, नुकसान हमारे को टावर से बोले थे, हमारे छोटे छोटे बच्चे है और हमारे को पालने वाला कोई नहीं है, हम विधवा है, हमारा एक बेटा है, वो बेटे के ऊपर हम बैठे हुए है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये टावर से हमारे को नुकसान है, ये टावर बैठना नहीं, ये टावर उठ जाना, और नहीं बोले वो होता ही बोले हमारे से काम, हमारे टावर बनता ही बोलते बोलते नहीं उठाते।